बेटा फ्रेंड्स बोलो जय बायो जय जीन जय एनसीईआरटी। निशाकांत त्रिपाठी नया एपिसोड लेके आपके सामने पेश हुए हैं और इस एपिसोड का नाम है माइटोसिस। माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन आपको पढ़ना है। दो तरह के डिवीजन पढ़ने, एक माइटोसिस पढ़नी है और एक मियोसिस पढ़नी है। जैसे घर परिवार संसार का डिवीजन होता है, सब कुछ मोह माया है, वैसे ये भी एक बहुत बड़ी मोह माया है। आज इस मोह माया का हम लोग जो है निदान करते हैं और देखते हैं कि मोह माया खत्म कहाँ होती है। तो ये मोह माया शुरू कहाँ से होती है, ये देखा जाए। सबसे पहले जो है इसे डिस्कवरी देख लिया जाए। जैसा हम लोगों के यहाँ एक नियम है पढ़ने का, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है, डिस्कवर्ड इन एनिमल सेल। फ्लेमिंग डिस्कवर्ड इन एनिमल सेल। फ्लेमिंग डिस्कवर्ड इन एनिमल सेल। कौन सा ईयर है? 1872। एंड एक दूसरे साइंटिस्ट हैं स्ट्रासबर्गर डिस्कवर्ड इन प्लांट सेल। ये देखिए स्ट्रासबर्गर डिस्कवर्ड इन प्लांट सेल। समय आप देख लीजिए, समय का आपको ध्यान रखना है, सब कुछ मोह माया है। तो देखिए फ्लेमिंग डिस्कवर किया माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन को एनिमल सेल में, और स्ट्रासबर्गर ने इसे डिस्कवर किया प्लांट सेल में। आप इसे अंडरलाइन कर लें, अंडरलाइन करने से चीजें बहुत तेजी से याद होती हैं। ये जीवन है, इस जीवन का क्या होना है किसी कुछ पता नहीं है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें। देखिए फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया इस डिवीजन को, माइटोसिस को या माइटोटिक डिवीजन को, किस सेल में? एनिमल सेल में। और स्ट्रासबर्गर ने इसे प्लांट सेल में डिस्कवर किया। पहली बात आपको यह ध्यान रखना है, ये इसकी डिस्कवरी हो गई। दूसरी बात ध्यान रखिए, इस माइटोसिस का अगला नाम जो है उसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो इनके अलग अलग नाम क्या है पहले आप ये समझ ले कि इसका नाम इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं या इसी को होमोटिफिक डिवीजन कहते हैं। तो इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं, पहले आप ये समझ ले कि जनरली जो होता है ये रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड टू कौन सी सेल? डिप्लॉयड सेल। ये जो है डिप्लॉयड सेल में आपको देखने को मिलेगा, बट समटाइम्स टेक्स प्लेस इन हैप्लॉयड सेल। कभी कभी हैप्लॉयड सेल में भी आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन जनरली ये आपको डिप्लॉयड सेल में दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिप्लॉयड हैप्लॉयड में ही दिखाई पड़ता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एनसीईआरटी कहा रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल बट समटाइम्स इट इज फाउंड इन हैप्लॉयड सेल, लेकिन अगर आपसे और कोई क्लियर करे तो आप ऐसे इसको क्लियर कर लीजिए, टेक्स प्लेस इन, लिखिए ध्यान से कहां कहां पे टेक्स प्लेस इन। पहले लिखिए हैप्लॉयड, एक तो हैप्लॉयड सेल में, दूसरा डिप्लॉयड, डिप्लॉयड माने 2m, हैप्लॉयड माने n, डिप्लॉयड माने 2m। एंड और ये बात खत्म मत करिए, दुनिया बहुत गोल है, कहां पर कौन मिल जाए कोई भरोसा नहीं है। एंड पॉलीप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड मतलब क्या? 3n, 4n, 5n, 6n, जितनी सेल्स हैं सारी सेल्स में आपको माइटोटिक डिवीजन दिखाई पड़ेगा। तो ये इक्वेशनल क्यों कहते हैं, इसकी बात तुम लोगों ने किया ही नहीं, इक्वेशनल क्यों कहते हैं? आइए देखा जाए, ये एक सेल है, इस सेल में आप प्लाइडी देख लें, क्रोमोसोम की संख्या 2n बराबर 46 होता है। इस सेल को हम लोग पेरेंट सेल कहते हैं। ये देखिए ये पेरेंट सेल है। अगर ये सेल डिवाइड हो जाए, सेल क्यों डिवीजन होती डिवाइड होती है ये मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बता दिया है। तो अगर ये सेल डिवाइड हो जाए, इस सेल से दो सेल बने, तो जब दो सेल बनेंगी, ये देखिए इस सेल में भी क्रोमोसोम की संख्या 2n बराबर 46 हो, इस सेल में भी 2n बराबर 46 हो, तो जिस सेल का डिवीजन होता है उस सेल को पेरेंट सेल कहते हैं, और जो सेल्स बनती हैं उन सेल्स को हम लोग डॉटर सेल कहते हैं। जिस सेल का डिवीजन होता है उसे पेरेंट सेल कहते हैं, और जिन सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसे डॉटर सेल कहते हैं। ये सेल जो है 2n लिखा है, तो आप पहले यहां लिख दीजिए कि सर ये जो सेल्स हैं इन सेल्स को हम लोग डिप्लॉयड सेल कहते हैं। ये लिखिए आप सबसे पहले कि सर ये सेल्स है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सेल डिप्लॉयड सेल है। इसी तरह से अगर आप इधर देखें,
एक और देख लीजिए, तब फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये सेल है, आपने लिखा सर ये है, इसमें यन बराबर 23 क्रोमोसोम है। ये सेल यहाँ लिख लीजिए कि सर हैप्लॉयड है, क्योंकि माइटोसिस जो होती है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सेल में होती है। तो ये देखिए इससे दो सेल्स बनती है, ये देखिए ये, इनमें भी क्रोमोसोम की संख्या आप देख लें, यन बराबर 23, यन बराबर 23। इस सेल को हम लोग कौन सी सेल कहते हैं? इस सेल को हम लोग कहते हैं पेरेंट सेल, और जिन सेल्स का फॉर्मेशन होता है उन्हें हम लोग कहते हैं डॉटर सेल। ये देखिए फिर से देख ले, जिस सेल का डिवीजन हो रहा है उस सेल को पेरेंट सेल कह रहे हैं, और जिस सेल का फॉर्मेशन हो रहा है उस सेल को हम लोग डॉटर सेल कह रहे हैं। इस डिवीजन में और डिवीजन में फर्क क्या है? फर्क यह है कि ये सेल डिप्लॉयड है, वो सेल हैप्लॉयड है। दूसरा, इन दोनों सेल्स में कॉमन क्या है? अगर आप ध्यान देखें तो पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम हैं उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में हैं। या आप यहां देखें इस पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? 46। तो इन दोनों सेल्स में भी क्रोमोसोम कितने हैं? 46। यहां पर देखें इस पेरेंट सेल में क्रोमोसोम 23 है और इन सेल्स में भी क्रोमोसोम कितने हैं? 23 है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ध्यान दें तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर सिमिलर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर सिमिलर इन पेरेंट एज वेल एज डॉटर सेल। पेरेंट सेल और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या सेम है, पेरेंट एज वेल एज डॉटर सेल। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और जो जीन्स है उनका नंबर पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों में सेम है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम है, वहां भी 23 क्रोमोसोम है, यहाँ पर 46 क्रोम है तो यहाँ भी 46 क्रोमोसोम है। मतलब यहाँ इक्वेशनल का मतलब क्या हुआ? इक्वेशनल का मतलब इक्वल से है। कौन इक्वल है? इक्वल ये है, तो अगर आपको कोई डिविजन दिखाई पड़े जिसमें एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो और उन सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या सेम हो, तो इस तरह के डिवीजन को हम लोग कहते हैं, कौन सा डिवीजन? हम लोग कहते हैं सर ये माइटोसिस हो रही है। दूसरा देखिए, इसे हम लोग इनडायरेक्ट डिवीजन भी कहते हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि भाई इनडायरेक्ट डिवीजन क्या होता है, तो इनडायरेक्ट डिवीजन मतलब क्या हुआ? देखिए इनडायरेक्ट डिवीजन मतलब यह हुआ कि माइटोसिस इज एन सिक्वेंशियल डिवीजन। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डिवाइड हो जाए। अगर आपको किसी सेल में माइटोसिस करानी है तो उस सेल का में जो माइटोसिस हो रही है वो सिक्वेंशियल चेंज है। कौन सा सिक्वेंशियल चेंज है? सबसे पहले सेल किस फेज में जाएगी? सेल जाएगी प्रोफेज में, फिर सेल किस में जाएगी? मेटाफेज में जाएगी, फिर सेल किस में जाएगी? एनाफेज में जाएगी, फिर सेल किस में जाएगी? सेल जाएगी टेलोफेज में। तो अगर आप देखिए तो ऐसा नहीं है कि सेल सीधे डिवाइड हो जाए। अगर आपको मैंने आप मेरे पुराने वीडियो को देखेंगे ए माइटोसिस में, तो सेल किसी फेज में नहीं जाती है, सेल सीधे डिवीजन में जाती है ए माइटोसिस में। लेकिन जो माइटोसिस होती है उस केस में, माइटोसिस केस में ये फेज पूरी करने पड़ते हैं, और इन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के पहले सेल को इंटरफेज में भी जाना पड़ता है। इंटरफेज मतलब जीवन में, यस में और चीटों में जाना पड़ता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट डिवीजन कहते हैं। इसका एक नाम और है, इसको सोमैटिक डिवीजन कहते हैं। सोमैटिक डिवीजन क्यों कहते हैं ये भी सीख लें आप। सोमैटिक डिवीजन कहते हैं ये जो खूबसूरत मनुष्य है, ये जो मानव है, जो खूबसूरत मानव है, उसकी बॉडी में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक सेल पाई जाती है जिसे जर्म सेल कहते हैं, एक सेल पाई जाती है जिसे सोमेटिक सेल कहते हैं। तो पूरी बॉडी में जितने डिवीजन सेल्स हैं सब सोमेटिक सेल हैं। तो जर्म सेल कहाँ पे है? अगर आपको जर्म सेल समझना है तो आप सिंपल समझिए कि सर देखिए बॉडी में दो तरह की सेल्स हैं, एक जो जर्म सेल है वो सिर्फ दो जगह पाई जाती है। तो जर्म सेल्स जो होती हैं दो जगह पाई जाती हैं, अगर वो मेल है तो उसके टेस्टिस में पाई जाती है और फीमेल है तो उसके ओवरी में पाई जाती है। तो इस जर्म सेल में जो डिवीजन होता है उस डिवीजन का नाम मियोसिस है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। लेकिन जर्म सेल को छोड़ के, इस टेस्टिस ओवरी के सेल्स को छोड़ के, बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं सब की सारी सेल्स में सोमेटिक सेल्स हैं। सोमेटिक सेल्स अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती। हाँ, पांव, नाक, अखियां, सारी चीजें सोमेटिक सेल है। तो सोमेटिक डिवीजन इसलिए कहते हैं कि इन ह्यूमन माइटोसिस
इन ह्यूमन माइटोसिस टेक्स प्लेस इन ह्यूमन माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल इन ह्यूमन माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल हेंस कॉल्ड सोमेटिक डिवीजन हेंस कॉल्ड ये देखिए सोमेटिक डिवीजन हेंस कॉल्ड सोमेटिक डिवीजन मतलब मनुष्य केस में मनुष्य के केस में जो डिवीजन हो रहा है ये जो माइटोसिस है ये सोमेटिक सेल में होती है इसलिए इस सेल को सोमेटिक डिवीजन कहते हैं। इनडायरेक्ट डिवीजन इसलिए कहते हैं कि इस डिवीजन में पहले सेल कौन सा फेज में जाएगी सेल प्रोफेज में जाएगी सेल मेटाफेज में जाएगी सेल एनाफेज में जाएगी सेल टेलोफेज में जाएगी इसलिए इसको इनडायरेक्ट डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं क्योंकि एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है और दोनों सेल्स में जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट सेल के इक्वल होती है। डिवीजन के बाद तो पेरेंट सेल बचेगी नहीं लेकिन पेरेंट सेल के बाद जिसे आपने कभी सुना है जैसे बाप वैसे बेटा तो जैसा बाप वैसा बेटा मतलब जितना बाप में क्रोमोसोम उतना बेटे में क्रोमोसोम में कौन सी डिवीजन हुआ माइटोसिस हुई। तो मतलब मिला के आपको यह समझना है कि जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम संख्या है उतनी डॉटर सेल जब क्रोमोसोम संख्या हो जाती है तो इस तरह डिवीजन को हम लोग माइटोसिस कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं इनडायरेक्ट डिवीजन कहते हैं सोमेटिक डिवीजन कहते हैं ये इसके अलग अलग नाम है और आपको सारे नाम अच्छे से आने चाहिए इसका ध्यान रखें। बेटा देखो अब हम लोग कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे। जब किसी सेल को डिवीजन में जाना होता है तो पहले वो इंटरफेज में जाती है जैसा आपने पहले पढ़ा जी1 या जी2 में जाती है। जी1 या जी2 में जाने के बाद सेल फिर कैरियोकाइनेसिस मतलब माइटोटिक फेज के कैरियोकाइनेसिस में जाती है। तो कैरियोकाइनेसिस में अगर आपने पढ़ा है तो इसमें चार फेज होते हैं। अगर आप इन चारों फेजेस के एक बार ना मैं आपको नाम फिर से याद करा देता हूँ जो इसका पहला नाम है उसे हम लोग प्रोफेज कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है उसका नाम है मेटाफेज। ये दूसरा डिवीजन होता है पहला होता है प्रोफेज दूसरा होता है मेटाफेज तीसरा जो डिवीजन होता है उसे एनाफेज कहते हैं। ये एनाफेज है और तीसरा जो चौथा डिवीजन होता है इसे हम लोग टेलोफेज कहते हैं। मतलब ये चार फेज होते हैं सेल डिवीजन में और इन सेल को न्यूक्लियस के डिवीजन में इन चारों फेजेस को सेल पार करती है प्रोफेज को मेटाफेज को एनाफेज को टेलोफेज को इन चारों फेज को पूरा करती है तो उसके न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। और ये कैरियोकाइनेसिस में मैंने आपको बताया था कि ये जो टर्म था इन सारे टर्म को एक साइंटिस्ट है उनका नाम स्ट्रासबर्गर है उन्हीं ने सबसे पहले इन सारे शब्द का इस्तेमाल किया था। तो आपकी एनसीईआरटी ने इन चारों फेजेस को देखा है चारों फेजेस को एक्सप्लेन किया और चारों फेजेस भी हमको अच्छे से आने चाहिए। उसके पहले मान लीजिए इस सेल को डिवीजन में जाना है तो अगर इस सेल को डिवीजन में जाना है तो इस ये जो सेल है जिसका नाम पेरेंट सेल है अभी ये पेरेंट सेल जो है इसकी स्थिति समझ लिया जाए फिर हम लोग डिवीजन में ले चलते हैं। तो अगर ये पेरेंट सेल है और ये सेल अभी इंटरफेज में है इंटरफेज मतलब ये हुआ कि ये सेल जीवन में है जीवन या जी2 तीनों पार कर गई है इंटरफेज में है। मैं यहां लिख देता हूं इंटरफेज में तीन फेज हैं जीवन है यस है और जी2 है। इस सेल ने ये सारे फेज मतलब जी2 पार कर गई है ये हम फेज के कैरियोकाइनेसिस में जाना चाहती है। अगर आप इस सेल की बात करें ये जो सेल है तो इस सेल का आप न्यूक्लियस पहले देख लें इस सेल की हालत क्या है। अगर आप इस सेल में जाते हैं ऐसे इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दें ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दें यहाँ पर आप ऐसे बना दें ये न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस के अंदर आप जो है यहाँ पर न्यूक्लियोलस बना दें और फिर आप यहाँ पर क्रोमेटिन ऐसे दिखा दें नाम देते कि भाई ये देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नाम लिख दीजिए कि ये आराम से सारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनको दिखाई पड़ रही है नाम लिख दीजिए सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसका इससे लिख दीजिए भाई ये क्रोमेटिन है मतलब आपको इंटरफेज में कोई क्रोमोसोम दिखाई नहीं पड़ते हैं इसका नाम लिख दीजिए सर ये न्यूक्लियोलस है ये न्यूक्लियोलस है। और आप इसी के बगल में अगर ये एनिमल सेल है तो यहाँ पर एक खास तरह का स्ट्रक्चर है जैसे हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। अब आप देखिए सेंट्रोसोम कहते हैं एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये सेंट्रोसोम है ये न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्रोमेटिन है और ये पूरा इसका साइटोप्लाज्म है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स पड़े हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्गी बॉडी लाइसोसोम माइक्रोट्यूब्यूल्स ये सारे स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं। अगर आप इस सेल में क्रोमोसोम की संख्या देखें तो अगर ये डिप्लॉयड सेल है तो क्रोमोसोम संख्या 2n = 46 है। तो अगर 2n = 46 है तो आपने कहा सर ये जो सेल है ये सेल डिप्लॉयड है। अब अगर इसमें डीएनए अगर इसने यस फेज पूरा कर लिया है तो नॉर्मल अगर कोई सेल होगी जब उसमें क्रोमोसोम 2n = 46 होगा तो उसमें जो डीएनए का अमाउंट होता है वो 2c होता है। किसी एक नॉर्मल सेल में ये स्थिति होती है
लेकिन जब ये यस फेज पूरा कर लेगी तो इसमें जो डीएनए है उसका अमाउंट 4C है, मतलब डीएनए के हिसाब से ये सेल जो है वो टेट्राप्लॉयड है, क्रोमोसोम के हिसाब से ये सेल डिप्लॉयड है। जबकि जब ये सेल जीवन फेज में थी तब स्थिति इसकी ये थी, अगर आप समझिए तो डीएनए डबल हो गया है, और डीएनए तो डबल हो गया लेकिन क्रोमोसोम संख्या कांस्टेंट है, और इस सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ गया है, सेल आरबीएस डबल हो गए हैं, स्टोर प्रोटीन बढ़ गई है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया, ये सारी घटनाएं जीवन इज जी2 में हो गई है। अब ये सेल तैयारी कर रही है डिवीजन के लिए, जैसे आपकी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है तो आपके वहां पर कुंड की हीलिंग होती है, तो वहां कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस होती है, और उस माइटोसिस में ये सेल जो है ये डिवीजन जिम्मेदार होता है, आपको ये बात सीखनी है। अब अगर इस सेल को हम जीवन या जी2 के बाद हम माइटोटिक फेज में ले जाने जाना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले किस फेज में जाना पड़ेगा, कैरियोकाइनेसिस में जानी पड़ेगी। तो कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले किस फेज में जाएंगे, प्रोफेज में। तो आइए सबसे पहले देखा जाए प्रोफेज। कैरियोकाइनेसिस का जो सबसे पहला फेज होता है उसे हम लोग प्रोफेज कहते हैं। प्रोफेज पे अगर आप किसी किताब में देखेंगे तो आपको इसमें तीन फेज दिखाई पड़ेंगे। अगर आप इसमें देखेंगे तीन तरह फेज होते हैं, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज। तो आपको अर्ली, मिड और लेट सब नहीं पढ़ने हैं, आपको बस ये बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो आपको ऐसे देखना है कि प्रोफेज जो है सबसे पहले लिखिए लॉन्गेस्ट फेज होता है, मतलब जो चारों फेज है लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, मतलब आपको ये समझना है, अच्छे से सीखना ये बात है कि देखिए ये जो चार फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उन चारों फेज में सबसे बड़ा फेज जो होता है वो प्रोफेज होता है। अब इस सेल को प्रोफेज में जाना है, तो अगर ये सेल प्रोफेज में जाएगी तो इस सेल के साथ घटना क्या होगी, ये देखिए। अगर आपको फिगर बनाना है तो आप ऐसे एक फिगर बनाइए, यहाँ लिखिए सर ये अर्ली प्रोफेज है, ICNCRT भी आपके यहाँ बनाती है, हमें भी ऐसे ही सीखना है तभी हमको ये बात सीखने में आ जाएगी। अगर आपको एक फिगर और बनाना है तो आप यहाँ पर एक और फिगर ऐसे बना दें, थोड़ा सा सेल को डंपल कर दें और यहाँ लिख दें सर ये लेट प्रोफेज है। और अब आप इसमें देखिए कि परिवर्तन क्या क्या हो रहे हैं, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। तो आप पहले अर्ली का फिगर देखिए, अगर आप अर्ली फिगर देखते हैं तो आप ऐसे फिगर बना दीजिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ऐसे बना के ऐसे आप दिखाना शुरू करिए, ऐसे दिखाइए, ऐसे और ऐसे दिखा दीजिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लेकिन ये ऐसे रहने जाती है। आपको क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में इसको ऐसे हटा देना पड़ेगा, मतलब ये हुआ कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये बीच बीच से खत्म हो जाती है, यहाँ खत्म होना शुरू करती है और यहाँ पर फाइनली क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगभग खत्म होने की स्थिति में आ जाती है। तो सबसे पहला परिवर्तन जो आपको देखना पड़ता है प्रोफेज में, अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से खत्म हो गई तो मतलब मेटाफेज शुरू हो गया। मेटाफेज की पहली लाइन है कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो मेटाफेज शुरू हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट फेज है इसका कैरियोकाइनेसिस का। सबसे पहली जो घटना आपने लिखा वो ये लिखा कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आप ये बात सीख लें, जब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तब तक प्रोफेज है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई तो उस फेज का नाम जो होता है मेटाफेज हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो प्रोफेज है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई तो वो मेटाफेज हो गई। दूसरा देखिए, इसमें ये जो न्यूक्लियोलस होता है यहां पर खत्म होना शुरू होता है, यहां पर थोड़ा सा दिखता रहता है, और यहां पर न्यूक्लियोलस लगभग डिसअपीयर हो जाता है। तो आपको ये बात दूसरी लिखनी पड़ेगी, यहां पर दूसरा कमेंट लिखना पड़ेगा कि इस केस में जब प्रोफेज चलता रहता है तो इसमें जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपीयर हो जाता है, मतलब जो न्यूक्लियर न्यूक्लियोलस है वो खत्म हो जाता है। लिख दीजिए न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है। प्रोफेज के अंत में न्यूक्लियोलस पूरी तरह से खत्म हो जाता है, मेटाफेज में आपको न्यूक्लियोलस दिखाई नहीं पड़ेगा। ये देखिए अगली बात लिखिए कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, क्रोमोसोमल मटेरियल। तो अगर मैं आपसे पूछू क्रोमोसोम कौन बनाता है तो आप कहेंगे सर क्रोमेटिन बनाते हैं। तो अगर आप इस अर्ली प्रोफेज में देखेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर ये धागा कुछ दिखाई पड़ेगा, ये जो क्रोमेटिन है ये आपको यहाँ पर तो दिखाई पड़ेगा, क्रोमेटिन यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब आप यहाँ पर चले आएंगे यहाँ पर तो क्रोमेटिन न दिखा के आपको ऐसे कुछ
थिन स्टाइलिश ऐसे आपको कुछ क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे इस सेल के अंदर। जो क्रोमोसोम दिखाई तो नहीं पड़ेंगे लेकिन आपको लगेगा कि कुछ क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये देखिए ऐसे आप बना सकते हैं ऐसे इस तरह से। इसके अंदर आपको न्यूक्लियस के अंदर आपको ऐसे क्रोमोसोम जैसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल स्टार्ट होता है, कंप्लीट मेटाफेज में होता है। इसलिए क्रोमोसोम मटेरियल का जो है कंडेंसेशन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। जो क्रोमोसोम है उनका डिहाइड्रेशन होता है। आपको एक बात और समझनी है कि प्रोफेज के बाद जितनी भी घटनाएं होती हैं वो साइटोप्लाज्म में होती हैं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दो तरह का डिवीजन हो जाता है। एक हो जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डिवीजन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डिवीजन मतलब जब न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा तो इस तरह के डिवीजन को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। कभी कभी जैसे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डिवीजन है, लेकिन ऐसे भी डिवीजन है जिनको हम लोग इंट्रा न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस खत्म नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी रहेगी। अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम्पल कौन है तो कह लीजिए प्रोटिस्टम ऐसा देखने मिलता है। मतलब अगर न्यूक्लियस खत्म हो गई, न्यूक्लियस खत्म हो गया तो उसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डिवीजन कहेंगे, लेकिन अगर न्यूक्लियस बना रह गया तो उसे इंटर न्यूक्लियर डिवीजन कहेंगे। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई, न्यूक्लियस खत्म हो गया, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो गए, कंडेंसेशन शुरू हो गया। अगली बात लिखिए यहाँ पर जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं, अगली घटना आप लिखना है सेल ऑर्गेनल्स। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नाम लिखिए गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम इनको बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज ये जो है डिसअपियर हो जाएंगे, स्टार्ट्स डिसअपियर या डिसअपियर सीधे लिख दीजिए। प्रोफेज के अंत में आपको ये कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेंगी। अच्छा आप एक बात समझ लें कि ये जब यहाँ खत्म होंगी तो टेलोफेज में दिखाई पड़ेंगे। खत्म कहाँ होंगी? प्रोफेज में। दिखाई कहाँ पड़ेंगे? टेलोफेज में। इसीलिए टेलोफेज को लोग रिवर्स प्रोफेज कहते हैं। फिर से मैं बात दोहरा दूं कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्म रेटिकुलम गॉल्गी बॉडी लाइसोसोम माइक्रोबॉडीज डिसअपियर हो जाती है तो दिखाई कब दिखाई पड़ती है? ये दिखाई पड़ती है टेलोफेज में। जब टेलोफेज में दिखाई पड़ती है तो हम लोग कहते हैं उसे रिवर्स प्रोफेज कहते हैं। अब ये हो गए सेल ऑर्गेनेल्स खत्म हो गए, न्यूक्लियस खत्म हो गया, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो गया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गया। अब आप यहाँ पर दूसरी बात देखिए, ये हमारा सेंट्रियोल है। अब ये सेंट्रियोल मूव करके किनारे जाना शुरू कर देता है और यहाँ पर एक खास तरह का फाइबर फॉर्मेशन होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं क्योंकि ये स्पिंडल जैसे दिखाई पड़ता है, इसलिए इस फाइबर्स को हम लोग स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको थोड़ा सा नजदीक दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ देखें, मान लेते हैं ये हमारा एक न्यूक्लियोलस है, ये हमारा एक न्यूक्लियोलस है, ये सेंट्रियोल है। तो ये देखिए ये जो फाइबर्स बन रहे हैं इन फाइबर्स को हम लोग स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? सेंट्रियोल। मतलब अगर आपसे कोई पूछे एक सेंट्रियोल कहाँ गए तो आप कहेंगे जो सेंट्रियोल है सर वो सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल है। और इस फाइबर को हम लोग स्पिंडल फाइबर कहते हैं जो दो सेंट्रियोल के बीच में है, उनका नाम स्पिंडल फाइबर है। और इन सेंट्रियोल के पीछे जो रेज है उनको एस्ट्रल रेज कहा जाता है। ये सूर्य की किरणों जैसी दिखाई पड़ती हैं, इसलिए सेंट्रियोल के पीछे ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग एस्ट्रल रेज कहते हैं। तो अगर आपको प्रोफेज का एक कमेंट और लिखना हो तो आप यहां लिख सकते हैं। देखिए यहां लिखिए सेंट्रियोल्स मूव्स टू अपोजिट पोल। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। आप देखिए सेंट्रियोल पहले नजदीक थे, अब मूव करके अपोजिट पोल्स की तरफ चले गए। अब एक बात आपको क्या क्या देखना, क्या क्या चेंज हुआ, एनसीआरटी मिलानी है। सबसे बड़ा फेज है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है, न्यूक्लियोलस खत्म हो गया, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्गी बॉडी लाइसोसोम माइक्रोबॉडी डिसअपियर हो गए और सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट पोल, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे चले गए। अगर आप यहां देखें तो इसके दो तरह के डिवीजन आपको दिखाई पड़ेंगे। पहले दिखाई पड़ेगा एनेस्ट्रल डिवीजन होता है कहां पर? एनेस्ट्रल डिवीजन होता है प्लांट सेल में। एनेस्ट्रल डिवीजन होता है कहां पे? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में आपको एस्ट्रल रेस देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप एनिमल सेल में देखें तो वहां एम्फी एस्ट्रल डिवीजन होता है।
एम्फी एस्टल डिवीजन या इसी को एस्टल डिवीजन कहते हैं। अगर आप देखिए तो एस्टल रेज डिवीजन में बन रही हैं, इसलिए इसको एम्फी एस्टल या एस्टल डिवीजन कहते हैं। ये आपको किस सेल में दिखाई पड़ेगा, ये आपको दिखाई पड़ेगा एनिमल सेल में। देखिए तो अब आपको इसके दो टाइप मिल गए। अगर आपसे कोई पूछे कि एनेस्टल डिवीजन क्या है, तो कहेंगे जब सर ये एस्टल रेज नहीं बनती है तो उसे एनेस्टल डिवीजन कहते हैं, और जब अगर एस्टल रेज है तो एस्टल दो तरफ से बनती है, तो चाहे इसे एस्टल कहे चाहे एम्फी एस्टल कहे, किस सेल में दिखाई पड़ेगा, एनिमल सेल में। ये जो एस्टल रेज दिख रही है, लेकिन अगर ये एस्टल रेज नहीं दिख रही है, सेंट्रियोल किस सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में, प्लांट सेल में अगर एब्सेंट है, इस तरह के डिवीजन को एनेस्टल डिवीजन कहते हैं। इस तरह से माइटोसिस के चार तरह की माइटोसिस हो गई, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस जब डिवीजन न्यूक्लियस के बाहर हो, इंटर न्यूक्लियर डिवीजन जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी रही है अमीबा केस में, फिर देखिए एनेस्टल डिवीजन जब एस्टल रेज का फॉर्मेशन ना हो, एम्फी एस्टल डिवीजन जब एस्टल रेज का दोनों तरफ से फॉर्मेशन हो। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग, इस तरह के प्रोफेज को हम लोग, ये देखिए प्रोफेज पहला फेज है, एक बार फिर से फाइनली देख लें, लॉन्गेस्ट फेज है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो रही है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है, क्रोमोसोम मेंडेलियन रिकॉग्निशन शुरू हो रहा है, यहाँ पर देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्गी बॉडी लाइसोसोम माइक्रो बॉडीज डिसअपियर हो रही है, और सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर दे रहे हैं। ये सारी घटनाएं प्रोफेज में पूरी हो रही है। बेटा देखो प्रोफेज के बाद जो अगला फेज आता है उसे मेटाफेज कहते हैं। मेटाफेज में आइए देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए मेटाफेज कब हम कहेंगे मेटाफेज शुरू हो रहा है, आप एक बात जान लें, चारों फेज को कभी क्लियर कट करना आसान बात नहीं, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, एनसीईआरटी लिखा हुआ है। दोबारा मैं कह देता हूं, ध्यान सुनना, कान खोल के सुनो, आत्मा लगाओ। तो ये जो प्रोफेज मेटाफेज है ना, फेज टेलोफेज है, ये चारों फेज एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, लगातार चलती है, तो आप क्लियर कट डिवीजन नहीं कर सकते हैं कि प्रोफेज में यही होगा, मेटाफेज में यही होगा, एनाफेज टेलोफेज में यही होगा। हाँ बात सही है, लिखा हुआ किताबों में हम भी मानते हैं, लेकिन क्लियर कट नहीं है, एनसीईआरटी लिखा है कि लिखा एनसीईआरटी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस, देयर इज नो क्लियर कट डिमार्केशन इन बिटवीन देम, मतलब चारों फेजेस में आप कभी क्लियर नहीं कर सकते हैं। आइए देखा जाए तो मेटाफेज में अगर आप देखें तो सबसे पहले हो जाएगा, इसका पहला कमेंट है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द साइन ऑफ बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। आप एनसीईआरटी मिला लीजिएगा, एनसीईआरटी ने यही बात सबसे पहले लिखी हुई है, बिगिनिंग ऑफ कौन सा फेज, मेटाफेज। ये एनसीईआरटी में संजोग से मैंने जैसे लिखा है ऐसे एनसीईआरटी ने भी लिखा है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको कंप्लीट ये बात देखने को मिल जाएगी। मतलब अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से खत्म हो गई है तो इस समय मेटाफेज शुरू हो चुका है, कॉन्सेप्ट है। जैसे आप अपना घर छोड़ देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छोड़ के बाहर चले जाते हैं, तो फिर आपका कौन सा फेज शुरू होता है, मेटाफेज, ऐसे सेल का मेटाफेज शुरू हो जाता है। अगर आपको इसका फिगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, आप देखिए ये ऐसे आप एक सेल बना लीजिए, इसके भी दो फेज हैं। अगर आप इसको और क्लियर करना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि सर ये अर्ली मेटाफेज है, ये लिख लीजिए इससे। और इसका अगर आपको दूसरा फिगर बनाना हो तो एक फिगर आप और बना दीजिए, इसके नीचे लिखिए सर ये लेट मेटाफेज है, अर्ली मेटाफेज और लेट मेटाफेज, ये इसके तो अलग अलग फेजेस हैं जो आपको सीखने हैं। ये देखिए और ये शुरू किया जाए तो अर्ली, पहले अर्ली मेटाफेज देखा जाए फिर लेट मेटाफेज देखा जाए। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये सेंट्रियोल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब खत्म हो जाती है तो अब आप जो भी घटनाएं देखेंगे मेटाफेज सारी घटनाएं सिर्फ साइटोप्लाज्म में होंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रही नहीं जाती है। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले आप क्या करें कि आप ये सेल का इक्वेटर है, मान लीजिए ये सेल का ऐसे इक्वेटर है, और अगर आपको क्रोमोसोम्स बनाने हैं तो आप ऐसा करें ना कि यहाँ पर इसके सेल के पास यहाँ पर इक्वेटर पे सीधे क्रोमोसोम आप दिखाएं, यहाँ पर ऐसे पहले आप क्रोमोसोम दिखाएं, क्रोमोसोम जो है इक्वेटर के आसपास ऐसे टिक रहे हैं। ये देखिए ऐसे एक्चुअली सही बात है कि हमको दिखाना चाहिए जो है क्रोमोसोम, इसमें कम से कम 46 क्रोमोसोम दिखाना चाहिए, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं दिखाएंगे, अभी हम ऐसा बिल्कुल भी दिखाने वाले नहीं हैं, हमने इसको ऐसे बना दिया। अभी क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे नहीं है, तो ये जो है ये कौन है, ये सेंट्रियोल है। पहली बात तो अभी आप ये समझ लें, ये सेंट्रियोल है,
इसके पीछे ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम लोग एस्ट्रल रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रल रेज कहते हैं। अब होता यह है कि देखिए ये स्पिंडल फाइबर्स है, ये एक खास तरह के फाइबर्स है, ये सब माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं। तो अगर आप देखिए तो ये दो तरह से गुजर रहे हैं यहाँ पे। अभी क्रोमोसोम इक्वेटर पे नहीं है, बल्कि जो रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम है इक्वेटर से थोड़ी दूर पे पड़े हुए हैं। अगर आप अगले फिगर में देखेंगे तो ये जो रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम है ये इक्वेटर पे आ जाते हैं। ये देखिए ये इक्वेटर पे ऐसे आ जाते हैं इस तरह से। ये जो रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम है ये ऐसे इक्वेटर पे आ जाते हैं। अगर आप इसको आपको दूसरे तरीके से सिखा दूंगा मैं। पहली बात, अगर आपने यहाँ छह बनाए तो मुझे भी यहाँ छह बनाना चाहिए, लेकिन स्पेस उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं ऐसे तीन चार जो इससे पॉसिबल है मैं वो क्रोमोसोम आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब ये सेल का इक्वेटर है। इक्वेटर का सेंस मतलब कि अर्थ का इक्वेटर नहीं है, इस सेल के बीचों बीच जो जगह है, जो बीच का एरिया है, उसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपने कभी भी ये बात देखी हो कि इस क्रोमोसोम के यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में खास तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। ये काइनेटोकोर है बेटा, और इसी काइनेटोकोर से ये खास तरह के फाइबर्स हैं जिन्हें हम लोग स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। तो वो स्पिंडल फाइबर्स जो काइनेटोकोर से होके गुजर रहे हैं, उन स्पिंडल फाइबर्स को हम लोग काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये देखिए, ये स्पिंडल फाइबर्स ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे फाइबर्स जो हैं, ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है। तो अगर आपको इसका नाम लिखना है कि वो स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर से गुजर रहे हैं, उनका नाम है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। पहला आप नाम लिख दीजिए। कभी कभी आपसे पूछते हैं कि स्पिंडल फाइबर टोटल होते कितने चीजों के हैं, तो आपको ये बता देना है कि स्पिंडल फाइबर पहला जो काइनेटोकोर से अटैच है वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है। कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे बगल से पास कर जा रहे हैं और वो काइनेटोकोर से नहीं जुड़े हुए हैं। अगर आप इनको इन स्पिंडल फाइबर्स को देखेंगे तो इन स्पिंडल फाइबर्स का नाम है जो बगल से पास कर जा रहे हैं, उनका नाम है नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूबुल्स के बने हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर आप पहले इसके बेसिक बातों को देखें तो सबसे पहला होता है कि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई तो मेटाफेज शुरू हो गई, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप इसका देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ, या ऐसे आप देख लीजिए, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल्स कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल्स, यहां पूरा कर ले, गेट कंप्लीट, मतलब जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। मतलब आप कह सकते हैं क्रोमेटिन पूरी तरह से कंडेंस हो जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे क्रोमेटिन का कंडेंसेशन शुरू कहां से होता है, तो आप कहेंगे सर प्रोफेज में शुरू होता है, लेकिन कंप्लीट कहां होता है, तो आप ये देखिए, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन कंप्लीट होता है किस फेज में, मेटाफेज में, इसीलिए आपको क्रोमोसोम दिखाई पड़ते हैं। अब आप ये बात देख लें, क्रोमोसोम्स कैन बी इजिली सीन इन मेटाफेज, कैन बी इजली सीन इन मेटाफेज। मतलब अगर आपको क्रोमोसोम कभी भी देखना हो तो आपको क्रोमोसोम हमेशा मेटाफेज में ही दिखाई पड़ेंगे। कभी भी सेल में, तमाम लोग ऐसे लोग करते हैं कि सेल बनाए उसमें क्रोमोसोम दिखा दिए, वो तो बिल्कुल गलत करते हैं। क्रोमोसोम कभी भी देखना है तो आपको मेटाफेज में दिखाई पड़ेगा। क्यों दिखाई पड़ेगा, उसका जवाब है क्योंकि यहाँ पर क्रोमेटिन का हाईली कंडेंसेशन हो जाता है। ये भी जवाब है इसका, हर चीज का जवाब है। तो इसीलिए देखिए, एनसीईआरटी कहती है ideal phase for study of morphology of chromosomes। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रोमोसोम्स की स्टडी करने का सबसे आसान सा फेज कौन सा है, तो आपको जवाब देना है कि सर ये फेज है हमारा मेटाफेज। आपको ये बात भी याद करनी है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये बात इस मेडिकल की टिकट एनसीईआरटी में लिखी गई है।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेटा क्रोमोसोम की स्टडी किस फेज में की जाती है, तो आपको जवाब देना है सर ये फेज जो है वो मेटा फेज स्टेज होता है। तीसरी बात देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए क्रोमोसोम्स ये अगला इसमें एक बड़ी बात हो रही है, क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वाटोरियल प्लेट। जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वाटोरियल प्लेट पे अलाइन हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं, अलाइन एट इक्वाटोरियल प्लेट। ये देखिए इसी प्लेट को हम लोग मेटाफेज प्लेट कहते हैं। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको ये भी दिखाई पड़ेगा, मेटाफेज प्लेट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा आपके, ये समझिए। तो अगर आपसे कोई पूछे मेटाफेज प्लेट कौन सी है, ये जो प्लेट है इस प्लेट को हम लोग मेटाफेज प्लेट कहते हैं, जहां पर क्रोमोसोम वन बाई वन एक दूसरे के ऊपर अरेंज है और एक दूसरे से चिपक नहीं रहे हैं, इस प्लेट को हम लोग मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ये जो प्लेट आप देख रहे हैं इसे हम लोग मेटाफेज प्लेट कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वाटोरियल प्लेट, जिस प्लेट को हम लोग मेटाफेज प्लेट कहते हैं। हम आपको एक बात सिखाना चाहते हैं कि ये देखिए, अगर आप कभी क्रोमोसोम्स बनाते हैं तो सबसे पहले आप ऐसे देख लें, ये क्रोमोसोम्स है, ये इसकी आर्म है। जब ये दोनों इसकी आर्म ब्रेक कर जाती है तो इस आर्म को हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ये बात आप सबसे पहले सीख लें कि इस आर्म को हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। इसी तरह से ये क्रोमोसोम्स की आर्म्स हैं, ये इन्हें भी हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। मतलब बीच में आपको जैसे दो एक किसी लड़की की चोटी दो बांध दी जाए ऐसे दिखाई पड़ता है, जैसे लड़की की दो चोटी बांध दी जाती है उसे कौन सा क्रोमेटिड कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। बेटा जब ये सिस्टर क्रोमेटिड है तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, काइनेटोकोर है। तो आप यहाँ पर एक बात और लिख दें, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमेटिड, ये भी एक घटना होती है इस फेज में, मतलब जो इसकी आर्म है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। ये देखिए अगर आप यहां से देखें एक बात समझे यहाँ पे कि ये हमारा क्या है, सेंट्रियोल है, ये हमारा क्या है, सेंट्रियोल है, बोलिए यहाँ। तो ये अगर हमारा सेंट्रियोल है, ये हमारा अगर सेंट्रियोल है तो इसके पीछे ये जो रेज है इन्हें हम लोग एस्ट्रल रेज कहते हैं, एस्ट्रल रेज कहते हैं, ये समझिए। अगर इस क्रोमोसोम से ये स्पिंडल फाइबर्स चली और इसके काइनेटोकोर से जुड़ गई तो मैंने इसका नाम बताया, इसका नाम हो जाता है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। तो चाहे आप यहां एक कमेंट और लिख दें, काइनेटोकोर्स अटैच्ड विथ स्पिंडल फाइबर, ये भी एक छोटी सी घटना है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको साफ साफ स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए काइनेटोकोर दिखाई पड़ेंगे, काइनेटोकोर स्पिंडल अटैच्ड विथ स्पिंडल फाइबर, ये देखिए ये भी आपको दिखाई पड़ेगा इस फेज में। तो ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है, अगर आप चाहें तो इसका साइट लिख दें, ये सर है काइनेटोकोर, लिखना बहुत जरूरी है, कभी कभी आपसे पूछेगा आप भी तो आप फंस जाएंगे, फिर दिक्कत होगी, फिर आप मुझे याद करेंगे, फिर मैं आपको याद नहीं आऊंगा और भी बहुत सारी समस्या होंगी। ये पहला का स्पिंडल फाइबर हो गया, आपसे टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर पूछा जाता है, मैं वो सिखाना चाहता हूँ। तो वो स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर से अटैच है उन्हें काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये भी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है, ये देखिए इस तरह से, लेकिन वो स्पिंडल फाइबर जो इसके बगल से पास कर जा रहे हैं और इससे अटैच नहीं है उन्हें हम लोग यहाँ पर नाम देखिए लिख देता हूँ, इनका नाम है नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। ये दूसरा स्पिंडल फाइबर हो गया, मतलब वो स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर से है अटैच उसे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहते हैं, जो उससे अटैच नहीं उसे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहते हैं। एक स्पिंडल फाइबर दोस्त और होते हैं, वो स्पिंडल फाइबर इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होते हैं, ऐसे होते हैं, मतलब आप ऐसे समझिए जैसे आप फिल्म देखते हैं अमिताभ बच्चन की दीवार, कभी आपने देखा सुनील शेट्टी से उसको बेड़िया तोड़ देते हैं, तो ऐसे इन दोनों आर्म्स के बीच में, जैसे ये आर्म्स है इनके बीच में जो है स्पिंडल फाइबर्स पड़े हुए हैं और इन फाइबर्स को कहते हैं इंटर क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्पिंडल फाइबर टोटल कितने हो गए, जवाब दीजिए दोनों आर्म्स के बीच में जो है उनका नाम है
इंटरकोनल स्पिंडल फाइबर जो टच नहीं कर रहे हैं कानेटोपोर को उनका नाम है नॉन कानेटोकोर स्पिंडल फाइबर, और जो कानेटोपोर को पास कर रहे हैं उनका नाम है कानेटोपोर स्पिंडल फाइबर। आपको एक बात बता दूं, कभी कभी आपको एक सब क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी में ढूंढिएगा, एक टर्म होता है उसे माइटोटिक अपराटस कहते हैं। तो माइटोटिक अपराटस क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल रेस को अगर जोड़ दें, स्पिंडल फाइबर प्लस एस्ट्रल रोज को अगर जोड़ देते हैं तो इसे हम लोग माइटोटिक अपराटस कहते हैं। एक बात अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इस जगह पर अगर हम माइटोटिक, ये क्या है, सभी माइक्रोट्यूबुल्स के बने हुए हैं जितने स्पिंडल फाइबर्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे स्पिंडल फाइबर्स किसके बने हैं, तो आप सिंपल से बताइए कि सर ये जितने भी स्पिंडल फाइबर्स हैं ये सब माइक्रोट्यूबुल्स के बने हुए हैं। आपको ये बात बतानी है स्पिंडल फाइबर किसके बने हैं, सब माइक्रोट्यूबुल्स के बने हुए हैं। तो अगर आपको इस सेल को, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल में क्रोमोसोम कितने हैं, आप कहेंगे सर 46 क्रोमोसोम, देख कितना रहा, तो चार ही दिख रहा है यार, तो 46 तो बनाएंगे पूरा बॉडी खत्म हो जाएगा है? तो ये जो चार क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं या 46 क्रोमोसोम अगर आप देखिए मन की आंख से देखिए, तो ये जो 46 क्रोमोसोम दिख रहे हैं इनमें डीएनए कितने बराबर है, 92 के बराबर है। मतलब इसमें अभी 92 के बराबर डीएनए है जो कि क्रोमोसोम 46 है। तो अगर आप कोई इसमें माइटोटिक पॉइजन लगा दें, मान लीजिए आपने कोई माइटोटिक पॉइजन लगा दिया, कौन सा माइटोटिक पॉइजन होता है, इस माइटोटिक पॉइजन का मतलब क्या हुआ, माइटोटिक पॉइजन कुछ नहीं करता है जो स्पिंडल फाइबर को डाइजेस्ट कर देता है। तो कौन कौन से हैं, आप एक माइटोटिक पॉइजन पढ़ते हैं जिसका नाम है कोल्चिसिन नाम है, ये एक एल्कलॉइड है कोल्चिसिन। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये जितने भी रिएक्शन हो रही है जो स्पिंडल फाइबर है सबके सब खत्म हो जाएंगे। दूसरा जो होता है उसे हम लोग मस्टर्ड गैस कहते हैं, मस्टर्ड गैस कहते हैं, ये दूसरा जो है माइटोटिक पॉइजन होता है। पहला माइटोटिक पॉइजन होता है जिसे कोल्चिसिन कहते हैं, दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि मस्टर्ड गैस है, और तीसरा एक होता है जिसे हीरो को जब पकड़ता है किसी गुंडे को तो लोग उसे फट से खा लेते हैं, साइनाइड होता है। तो इस तरह से आप देखिए कि अगर ये तीन माइटोटिक पॉइजन है इनका इस्तेमाल अगर आप कर देंगे तो ये माइटोटिक पॉइजन करता क्या है, माइटोटिक पॉइजन करता है डाइजेस्ट, आप लिख लीजिए डाइजेस्ट, क्या डाइजेस्ट, डाइजेस्ट स्पिंडल फाइबर। बताइए जब स्पिंडल फाइबर डाइजेस्ट नहीं होंगे तो ये आपको जो क्रोमेटिड्स की स्प्लिटिंग हो रही है, अब इसमें किसकी स्प्लिटिंग नहीं हुई है, अगर आप देखिए ध्यान से इसके बीचों बीच ये एरिया जिसका नाम सेंट्रोमियर है, इसकी आर्म तो स्प्लिट हो गई, आर्म तो स्प्लिट हो गई, और इसका जो मूव है वो सेंट्रोमियर की तरफ है, पोल्स की तरफ है। तो आर्म्स तो इसकी स्प्लिट हो गई लेकिन सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई है। तो अगर ये स्पिंडल फाइबर डाइजेस्ट हो जाते हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर अगर मैं इनको मिटा दूं तो अगले फेज में सेल जाएगी नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि माइटोटिक पॉइजन का इस्तेमाल कब किया जाता है तो आप कौन सा फेज कहेंगे, आप कहेंगे सर ये जो फेज है ये मेटाफेज है। माइटोटिक पॉइजन का इस्तेमाल करने से सेल क्या का क्या होता है, सीधे सीधे बोलिए कि सर ये जो सेल है ये सेल हो जाएगी कौन सी प्लॉयड, पॉलीप्लॉयड हो जाएगी। मतलब अगर किसी सेल को पॉलीप्लॉयड बनाना है तो उस सेल में किसका इस्तेमाल करेंगे, उस सेल में माइटोटिक पॉइजन का इस्तेमाल करेंगे। माइटोटिक पॉइजन क्या करता है, इन स्पिंडल फाइबर्स का डाइजेशन करता है, और स्पिंडल फाइबर का डाइजेशन करने के बाद ये जो डिवीजन है ये आगे कंटिन्यू नहीं होता है, डिवीजन यही अरेस्ट हो जाता है और ये सेल पॉलीप्लॉयड हो जाती है। इसका पूरा आपको रखना है ध्यान, समझे कि नहीं समझे मेरे दोस्त, ध्यान रखो इसका। बेटा मेटाफेज के बाद जो तीसरा फेज आता है उसका नाम एनाफेज होता है। तो सबसे पहले आप एनाफेज के बारे में आप देख लें कि ये चौरे जो फेज होते हैं उसमें सबसे छोटा फेज होता है, स्मॉलेस्ट फेज होता है। आपको सबसे पहली बात ये सीखनी है, ये स्मॉलेस्ट फेज है एनाफेज, सबसे छोटा फेज होता है। अगर आप इस फेज में देखें तो सेल की स्थिति क्या है, अगर आप इस फेज को देखें ऐसे, देखिए ऐसे, अगर आप ऐसे देखेंगे तो सेल की स्थिति भी आप इसमें भी अर्ली लेट कर सकते हैं, ऐसे आप इसमें भी अर्ली लेट एनाफेज बना दें, इस तरह से लिख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहां लिखिए सर ये अर्ली एनाफेज है, ये अर्ली एनाफेज है, ये देखिए अर्ली एनाफेज है, और इसका नाम लिखिए सर ये लेट एनाफेज है, लेट एनाफेज है। इस फेज में क्या क्वेश्चन होते हैं, कैसा पूछा जाता है, हम आपको सिखाते हैं। देखिए इस फेज में ये आपका सेंट्रियोल है, बोलिए हाँ सर बिल्कुल सेंट्रियोल है, बात समझ में आ गई। अब सेंट्रियोल जब ये है तो आप यहां देखिए जो इससे क्रोमोसोम इक्वेटर पे थे, जो क्रोमोसोम मेटाफेज में से था उस क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम जो था उसमें सेंट्रोमियर जो था उसकी स्प्लिटिंग हो गई, ये देखिए, और क्रोमोसोम के मतलब स्प्लिटिंग हो गई और आपका क्रोमोसोम इस समय
कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे, वो क्रोमोसोम आपको इक्वेटर की तरफ खींचे हुए दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे क्रोमोसोम खींचे जा रहे हैं इस तरह से, आपको इस समय क्रोमोसोम ऐसे लगेगा जैसे उसको इक्वेटर की तरफ खींचा जा रहा है। तो अगर आपसे मैं पूछूं आप ऐसे फिगर बना दें तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, ये ऐसे बना दें, ये ऐसे बना दें और ऐसे बना दें। तो अगर इस फेज में देखा जाए तो सबसे पहले लिखिए सेंट्रोमेरिक स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग। सबसे बड़ा ही क्वेश्चन यही होता है कि जो सेंट्रोमियर है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, मतलब आपको ये बात सीखनी है कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कैसे होती है। आप अगर आप मेटाफेज में देखते हैं तो मेटाफेज में आपको क्रोमोसोम कुछ ऐसे दिखाई पड़ते हैं, इस तरह से दिखाई पड़ते हैं, मतलब इसका जो सेंट्रोमियर ये वाला एरिया जुड़ा रहता है। लेकिन जब आप एनाफेज में आते हैं तो इसके क्रोमोसोम की जो जो बीच वाला एरिया है वो ऐसे ब्रेक कर जाता है, ये वाला टूट जाता है। उन्होंने लिखा है कि इसके सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। अगर आपसे कोई पूछे किसके कारण होती है तो वही लिखिए बाई पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म, पुलिंग एंड कौन सी मैकेनिज्म, पुशिंग मैकेनिज्म, बाई पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म, बाई पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म इसका जो है डिवीजन होता है। तो पुलिंग क्या है, अगर आप देखिए तो ये जो एस्ट्रल रेस है ये इसे इधर खींच रहे हैं जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है, और जो इंटरक्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर ये इसको ढकेल रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए तो जो ये क्रोमोसोम्स है इनकी ब्रेकिंग हो जाती है, आपको ऐसे सेल में ये स्थिति दिखाई पड़ेगी। इसमें जो क्रोमोसोम्स है क्रोमोसोम्स किस शेप में दिखाई पड़ेंगे, अगर आपसे कोई भी पूछे तो आपको ये सब जो ये क्रोमोसोम्स है ये आपको दिखाई पड़ेंगे वी शेप्ड, जे शेप्ड, एल शेप्ड दिखाई पड़ते हैं, ये आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप इस फेज को देखें, लेट इन फेज को देखें, तो आप देखिए यहां पर ऐसे कर दीजिए, यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस जगह पर यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है तो आप कहिए सर अब यहां पर साइटोकाइनेसिस दिखाई पड़ती है। तो आपको अगर एनाफेज लिखना है तो फट से आप अगला डिवीजन लिखिए कि सर साइटोकाइनेसिस अपीयर हो जाती है या साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे तो फट से आप जवाब दीजिए कि साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है, इसका ध्यान रखना है आपको। और आगे का फ्यूचर क्या है, आप देखें ये 20 से क्रोमोसोम ढकेले जाते हैं और ये क्रोमोसोम्स ऐसे न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सर क्रोमेटिड किधर होता है तो आप बोलिए सर क्रोमेटिड जो होते हैं वो पोल की तरफ होते हैं, सॉरी इक्वेटर की तरफ होते हैं, और जो सेंट्रोमियर होता है उसका डायरेक्शन पोल की तरफ होता है। आप ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, यहां पर आप एक सेंट्रिओल बना दें और इसे ऐसे खींचते हुए दिखाएं कि आप लगे कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेल के अंदर ऐसे नजदीक चले जा रहे हैं। तो आप एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात लिख रही है कि आप देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर डबल इन सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर डबल इन सेल। इसमें क्रोमोसोम के अंदर जो ये जो सेल है इसके अंदर क्रोमोसोम संख्या 92 है, मतलब अगर आपको समझना पड़े तो आप समझिए 46 का ये ग्रुप है, 46 का ये ग्रुप है। यहां पर देख ले ये 46 क्रोमोसोम है, ये 46 क्रोमोसोम, मतलब इस समय जो टोटल सेल है इसमें जो क्रोमोसोम है वो 92 है। तो इसीलिए मैंने लिखा, अक्सर पूछा जाता है कि किस फेज में क्रोमोसोम की संख्या सेल के अंदर डबल होती है, तो कौन सा फेज है जिसका नाम है लेट इन फेज या इन फेज में क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है। एक बात और लिखें, डाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। अब जो ये माइक्रोट्यूबुल्स हैं इनका डाइजेशन शुरू हो जाता है, मतलब जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो धीरे धीरे अपने आप स्वतः खत्म होते चले जाते हैं। आपको ये पॉइंट ज्यादा याद करना है, ये पूछा जाता है कि किस फेज में क्रोमोसोम्स की संख्या डबल हो जाती है। अगर मेटाफेज में 46 क्रोमोसोम है तो एनाफेज में उनकी संख्या 92 के बराबर होगी। 46 का एक सेट ये है, 46 का एक सेट है, और ये अपनी पोल की तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से अगला फेज आता है, सेल डिवीजन का लास्ट फेज आता है, जिस फेज का नाम है टेलोफेज। तो अगर आप टेलोफेज क्यों कहते हैं, अगर आप इस डिवीजन को देखें, इस फेज को देखें, तो इस तरह से ये जो सेल है इस सेल की स्थिति कुछ ऐसे हो जाती है, मतलब ये जो आपको दिखा रहे हैं ये साइटोकाइनेसिस है।
अगर आपको इस सेल के अंदर बनाना है तो आप इसे न्यूक्लियस बना दें। दिखाइए और फट से लिखिए कि सर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रिवर्स हुई थी, जो खत्म हो गई थी, फिर से आपको दिखाई पड़ी। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से दिखाई पड़ी, यहां पर भी ऐसे बना दें। कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। ऐसे आप बना दें तो आपको ये बात कन्फर्म हो जाएगी। ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए। सबसे पहले लिखिए टेलोफेज को लोग रिवर्स प्रोफेज कहते हैं, रिवर्स प्रोफेज कहते हैं। सबसे पहली बात आप ये लिख दें, रिवर्स प्रोफेज ये कहते हैं जो प्रोफेज में हुआ था, जो जो चीजें खत्म हुई थी वो टेलोफेज में फिर से दिखाई पड़ती हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां लिखिए रीअपियर। सबसे बड़ा मिस्टेक मैं करने जा रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आपको दिखाई पड़ना शुरू कर देगी। ये देखिए जो सेंट्रोल्स हैं वो अपोजिट पोल्स पे यहां पर कहीं किनारे चले जाएंगे। ये देखिए कंप्लीट डाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं वो पूरी तरह से अभी समाप्त हो जाएंगी, आपको सेल के अंदर कोई भी स्पिंडल फाइबर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई थी, फिर से आ गई। और भी आप एक कमेंट लिख सकते हैं, सर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनसीआरटी लिखा है, हमें भी लिखना पड़ेगा। गॉल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक गॉल्गी रेटिकुलम गॉल्गी बॉडी लाइसोसोम आर रीअपीयर, ये फिर से आपको दिखाई पड़ेंगे, फिर से आपको साफ साफ दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए इसको रिवर्स प्रोफेज कहा जाता है। कौन सा फेज है ये? टेलोफेज है। एक बड़ी बात होगी अगर आप समझे, प्रोफेज पे क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन होता है, तो आप ये लिख दीजिए डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्या बेटा? मटेरियल, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है उनका डीकंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। एक बात और लिख दीजिए न्यूक्लियोलस रीअपीयर। न्यूक्लियोलस कब खत्म हुआ था? प्रोफेज में। दिखाई कहां पड़ा? टेलोफेज में, इसलिए लिखा गया रिवर्स प्रोफेज। अब आप क्या करिए, यहां पर ऐसे न्यूक्लियोलस बनाइए, यहां पर ऐसे न्यूक्लियोलस बनाइए, और आप इसके अंदर डीकंडेंसेशन हो गया, फिर से आपको इसके अंदर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम दिखाई पड़ेगा, क्रोमोसोम्स दिखाई पड़ेंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कंडेंसेशन शुरू कहां होता? प्रोफेज में। डीकंडेंसेशन कहां शुरू होता है? टेलोफेज में। और एक बात और लिख लीजिए, साइटोकाइनेसिस इज कंटिन्यू। ये जो साइटोकाइनेसिस है कंटिन्यू चलती है, ये जो साइटोकाइनेसिस की फरो है ये डीप हो जाती है, और अब एक ही घर के दो माँ बाप, मान लीजिए ये मम्मा है और ये क्या है? पापा है। एक ही घर में, जहां पर एक घर में दोनों रहते थे, अब इनका डिवीजन हो गया, और अब मूवी का नाम हो गया क्या? बागवान। ये देखिए मूवी का नाम क्या हो गया? बागवान। ध्यान से देखिए, बागवान में भी यही हुआ, दोनों मियां बीबी को अलग कर दिया गया। एक ही घर में जहां पर एक न्यूक्लियस पहले था, अब उसी घर में दो न्यूक्लियस हो गए, मम्मी अलग हो गई, पापा अलग हो गए। अब बचा क्या है कि उस घर के बीचों बीच एक बाउंड्री खड़ी कर दी जाए, और एक ही घर में दो अलग अलग घर बन के तैयार हो जाते हैं। और फर्क क्या होता है कि एक सेल से दो सेल, एक ही घर में दो अलग अलग सेल बन जाती है, अलग अलग नाम हो जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? हमने न्यूक्लियस का तो डिवीजन करा दिया, अब हमें सेल का डिवीजन कराना चाहिए, इसका ध्यान रखना है।